फार्मूला दूं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमें a b और c की वैल्यू चाहिए होती है। x के तो कोएफिशिएंट है वो a होता है, x को कोएफिशिएंट b होता है, कांस्टेंट c होता है। तरतीब लगानी है तो लगा लो, वरना अगर आपको पता है इस चीज का कि a कौन सा b कौन सा c, तो फिर ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैडम का है यानी इस सवाल में a जो है तो x के का कोएफिशिएंट है माइनस है, b x का कोएफिशिएंट है 2l प्लस है, और c जो है वो है माइनस l प्लस, ठीक है। यहां तक ओके। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यहां तक ओके। अब b की जगह मैंने रख दिया 2l प्लस l प्लस माइनस, b की जगह मैंने रखा 2l प्लस m माइनस 4, a की जगह मैंने रख दिया माइनस l, और c में भी है माइनस, तो एक बड़ी ब्रैकेट साल बार के साथ छोटी ब्रैकेट, ठीक है। क्योंकि अगर वैसे लगाओगे ना इसके बगैर, उसका मतलब है माइनस हो रही है, लेकिन ये माइनस नहीं जरा हो रही, ठीक है। ये ऐसे बड़ी ब्रैकेट आ गई है, प्लीज देयर फाइंड नंबर 2, a क्या है माइनस l, माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस, अंदर हम स्केल खोल देंगे इसका, a स्केल जब प्रैक्टिस हो जाए ना तो डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, b स्केल प्लस 2 a b, माइनस और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4l, और बाकी जो है l प्लस m, वैसे आप यहां तक ओके। माइनस 2l ये आ जाएगा का 4 l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर 2 4 lm माइनस 4 l की जो वैल्यू से किया 4 l का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 l m माइनस 2 l 2 l प्लस m प्लस माइनस, ये देखो ये वाली काट गई आपस में, ये वाली और ये वाली काट गई, बाकी बचा m का ओवर आ गया माइनस 2 m, ठीक है। अब ये जजर इसको काट लेगा आपस में, तो बाकी आएगा हमारे पास m ओवर माइनस 2 m, एक को प्लस के साथ कर लिया इनका, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो लामर चेंज हो जाएगी, माइनस 2 l माइनस m ये वाली वैसी आ गई ओवर माइनस 2 l, m को m से कैंसिल कर देंगे, माइनस 2 l ओवर माइनस 2 l ये आपस में कैंसिल हो तो 1 आ गया, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे लामर चेंज, ये आ गया माइनस 2 l माइनस m माइनस m माइनस 2 m और माइनस 2 l, माइनस 2 कॉमन ले लें ऊपर से तो l प्लस m आ गया, ठीक है। नीचे माइनस 2 l माइनस 2 माइनस 2 से चला ही जाता है, l प्लस m ओवर r, ठीक है। इसमें